जिहड़ा दिल्ली वाला अंदोलन सी लीड किहने कीता सीगा पंजाब ने पंजाब ने शुरुआत की पंजाब का इतिहास बोलता है ताइयों का खून खोलता है एक कौमी इंसाफ बुरज है इन्हों वहम हो गया भी केवल सिख बंदियों वास्ते है एक कौमी इंसाफ मोर्चे एक कौमी एकता मोर्चा भी है दिल्ली वाले अंदोलन ने किसान इकट्ठे किए इन्हें कौम इकट्ठे करने उस तो वड्डा मोर्चा बनना है साढ़े बहुत सारे पत्रकार साढ़े बहुत बुद्धिजीवी जो सरकार चुभते हैं वो जिला बंद पे है जिन्होंने सजावं पूरी हो चुकी हैं ये हल्के च लै रहे हैं ये सोच रहे हैं कि नहीं अत्तवादी कह के नैगेटिव सैट करके तो असं इन्हों घर भेज देंगे नहीं हक तो सच जितता हों झूठ हारता हों दिल्ली अंदोलन दिखाता सत श्रीकाल जी तुसीं देख रहे हो पंजाब तक तो मैं हाँ अभिषेक मैनरो अज नौवां दिन है नौवां जत्था जिहड़ा इत्थे वो पहुँच चुका है शांतमई तरीके जिहड़े प्रदर्शन कर रहे हैं तो सतनाम श्री वाहेगुरु का नाम भी जपा जा रहा है हालांकि हुण दो घंटे बीत चुके हैं तो जिहड़े प्रदर्शन करी आए थे वो इत्थे शांतमई तरीके प्रदर्शन कर रहे थे नाम जप रहे थे तो हुण अरदास की है हर रोज़ इत्थे पहुँचते ने अपनी जेकर कहिए तो अपनी मंगा नूं मनाउण दे लई इत्थे हर रोज़ इत्थे पहुँचते ने पर पुलिस नाल गलबात भी की जाती है जो कहते भी अरदास करते हैं उस तो बाद पुलिस नाल गलबात भी की जाती है जेकर हुण पंजाब पुलिस की गल की जाए या फिर प्रदर्शन कर रही गल की जाए तो आपस दे विच तालमेल हाले तक कोई बैठ नहीं रहा पर पंजाब पुलिस से चंडीगढ़ पुलिस जेकर गल की जाए तो वह पूरी इस वक्त एक्टिव हो चुकी है पंजाब पुलिस वालों हुण इत्थे सीसीटीवी कैमरे जिहड़े पोल ने तस्वीर देख सकते हो सीसीटीवी कैमरे के उत्ते पोल लगा कैमरा लगा दिए गए हैं तो इत्थे जिहड़ी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है पल पल की जिहड़ी इत्थे रिकॉर्डिंग की जा रही है शांतमई तरीके नाल इत्थे प्रदर्शनकारी इत्थे आ रहे हैं गलबात करांगे क्योंकि इत्थे बैठे ने सरदार साहब अज नौ दिन हो गए ने नौ दिन अज नौ दिन पूरे हो चुके ने की कुछ चल रहा है पुलिस नाल कोई गलबात हो रही है सरकार नाल गलबात चल रही है या फिर तालमेल नहीं हले सही बैठ रहा अजय संघर्ष चल रहा तो संघर्ष चलता रहना सानू गल करन दा कोई शौक नहीं सानू मंगा पूरियां करवाउणियां मीटिंग करन दी बैटर आ ना करन दी बेस्ट है अच्छा की कारण की मानते क्योंकि जो देखो जब पंजाब पंजाबियों की गल की जाती है पंथक की गल की जाती है एक मोर्चा लगे सीगा किसान अंदोलन उदों ही कहिंदे पंजाबी इकट्ठे हो के फतेह किया सीगा ते अज दा ये भी मोर्चा कि ये कल्ले नौ दिन नहीं ये काफ़ी लंबा समा है एक आपां महीने की गल ना करिए क्योंकि बहुत लंबा पुराना यह मसला है तो की कारण है क्यों नहीं मसला यह हल हो रहा जिहड़ा दिल्ली वाला अंदोलन सी उहनूं लीड किहने कीता सीगा पंजाब ने शुरुआत की पंजाब का इतिहास बोलता है ताइयों का खून खोलता है हुण एक कौमी इंसाफ मोर्चा है इन्हां नूं वहम हो गया भी केवल सिख बंदियों वास्ते आ एक कौमी इंसाफ मोर्चे नाल एक कौमी एकता मोर्चा भी है दिल्ली वाले अंदोलन ने किसान इकट्ठे किए सी इन्हें कौम इकट्ठे करने उस तो वड्डा मोर्चा बनना है साढ़े बहुत सारे पत्रकार साढ़े बहुत बुद्धिजीवी जिहड़े सरकार नूं चुभदे आ वो जेलां च बंद पए हैगे जिन्हां दे सजावां पूरियां हो चुकी हैं जिन्हां दे कई चलान नहीं पेश कीते ये हल्के च लै रहे हैं ये सोच रहे हैं कि नहीं अत्तवादी कह के नैगेटिव सैट करके तो असं इन्हों घर भेज देंगे नहीं हक तो सच जितता हों झूठ हारता हों दिल्ली अंदोलन दिखाता ऐसे भी हक तो सच है जितेंगे सरकार हारूगी सरदार साहब जो गल हक की होंगी है अपने जो आप कौम की गल करते हैं की कारण मानते क्योंकि जोड़ा उरे मोर्चा लग्या होया उरे बंदी सिंह का रिहाई का बेदबी का कई जो पंजाब के मसले ने उन्होंने लैके इतने बैठे हैं एक संगरूर के भी हूँ मोर्चा शुरू किया गया बंदी सिंह लैके क्यों भी आप अड्ड जगह कर रहे क्यों एक कट्ठे नहीं हो रहे एक ही कारण जोड़ा संगरूर के नहीं किया गया मैं मैंने पूरा जानकारी नहीं क्योंकि उगराह साहब जी की गल करते हो उन्होंने एक दिन का प्रोग्राम दिता सारे स्टेट हरेक डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर से पक्का मोर्चा लाया उन्होंने जो तक मैनू पता कन्फर्म नहीं गया मैं जो तक मैं ध्यान है मेरी गलबात हुई थी ना कल कल हाँ तो इस करके हाँ प्लीज़ तुम ना गल क्लीयर कराया करो वो हमायत उन्होंने पूरे अपने पंजाब स्टेट के हरेक डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर तो वधिया गल की अच्छी लगती पक्का मोर्चा लग गया अगली गल यह कहने भी गलबात नहीं होंगी देखो दो चीज़ा एक फ्रीडम एक इंडिपेंडेंस देर इज़ ए लिटल बिटवीन डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस की है इंडिपेंडेंस तुम आज़ाद हो गए वोट पाने अधिकार मिल गया मैं इन्होंने एक बंद वोट पा के एम एल ए बनाता दिस इज इंडिपेंडेंस फ्रीडम की है जो इंडिपेंडेंट हो गए तो फ्रीडम मैं एक तख्ती लैके एक चौंक से खड़ गया तो उधर ही रिपोर्ट चलेगी मुख्यमंत्री को मंत्री को फलाने चौंक से एक नागरिक तख्ती लै खड़ा सीगा उदों तुम फ्रीडम हो जाओगे तो आज़ाद हो जाओगे असं इंडिपेंडेंट तो हो गए हैं फ्री नहीं हुए फ्री होवें किमें फ्री होने वास्ते सानू क्लास लाउणियां पैणगियां
ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ MLA MP ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਅਗਰ MLA MP ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੇਗੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੇਨ ਬਣ ਗਈ ਆ MLA ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ CM ਅੱਗੇ CM ਦੀ PM ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਯੈਸ ਸਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਿਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ MLA MP ਮੇਰਾ ਮਨੀਮ ਹੈ ਵੀ ਮਨੀਮ ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਨੀਮ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਬੈਠੇਗਾ ਹੀ ਕਲੈਕਟਰ SP ਠਾਣਦਾਰ SH ਜਿਹਨੇ ਖੜਿਆ ਇਹ ਦੀਜ ਆਲ ਆਰ ਮਾਈ ਸਰਵੈਂਟਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਦਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥੀ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਮਗਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾ ਸਰ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕੀ ਆਖਿਰ 'ਚ ਕੀ ਸਟੈਪ ਕੀ ਫਰਦਰ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 24 ਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਬਣਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਧੂਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆ ਜੀ CMCT ਸਾਡੇ ਰਵੇ ਸੰਗਰੂਰ ਆ ਧੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਫੇਲ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ